या देवी सर्वभूतेषु माता कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज नवरात्रि का छठा दिन है और नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इन्हीं की उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसी देवी को नवरात्र में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्भा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वेगनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई और माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी भी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई, इसीलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है और भास्वर है। इनकी चार भुजाएं हैं। दाई तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये थी माता कात्यायनी व्रत कथा। ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।